दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट थ्री। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्तों, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको डिनोट किया जाता है इस तरह से। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आटा b, इसका मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जेड मॉडुलस। करना क्या है मुझे, रियल पार्ट का स्केयर। रियल पार्ट क्या है, ए प्लस में, इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी। रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, उसका स्केयर रूट, ये हो गया मेरे पास जेड मॉडुलस। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास, जेड इज इक्वल टू 3 + 4 आइटम, फाइंड जेड मॉडुलस, और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। फर्स्ट है 5, सेकंड है -5, थर्ड है 5 आइटम, और फोर्थ है माइनस के 5 आइटम। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो जेड मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जेड मॉडुलस रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या ए, यहाँ क्या 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, उसका स्केयर रूट। 3 का स्केयर क्या 9, और 4 का स्केयर 16, इसका स्केयर रूट क्या क्या आ गया मेरे पास 25, और 25 का स्केयर रूट क्या होता है 5। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, टू प्लस थ्री आटा का स्केयर करेंगे। सबसे पहले जो मेरे पास स्टेटमेंट है उसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई कैसे, उसको a प्लस आटा b की फॉर्म में चेंज करूंगा। यहाँ सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जैसे देखते हैं, a प्लस बी का होल स्केयर फार्मूला ओपन करते हैं, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर प्लस में 2ab। आटा स्केयर की वैल्यू करते हैं माइनस के 1, तो ये माइनस 9 हो गया, प्लस में 12 आटा। इसको सिंपल किया, माइनस के 5 प्लस में 12 आटा। ठीक है दोस्तों, तो जेड मेरे पास ये आ गया। अब इसके ऊपर, अब इसका मैं जेड मॉडुलस फाइंड आउट करूँगा। तो जेड मॉडुलस क्या हो जाएगा, -5 का स्केयर प्लस में 12 का स्केयर, उसका स्केयर रूट। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 25 प्लस में 144, 144 प्लस 25 क्या होते हैं 169, और 169 का रूट क्या होता है 13। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, जेड इज इक्वल टू आयटा, इसका कॉम्प्लेक्स, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो आयटा को मैं, इसको मैं 0 प्लस आयटा लिख सकता हूँ। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, रियल पार्ट 0 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट, आयटा के साथ क्या है 1 मल्टीप्लाई है, उसका रूट। 0 का स्केयर 0 और 1 का रूट 1, तो क्या आ गया 1। ठीक है दोस्तों, तो इसका मॉडुलस क्या आ गया 1। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए a प्लस आइटा b, इसका मुझे कंजुगेट फाइंड आउट करना है। कंजुगेट को डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, आपको करना क्या है, जस्ट आयटा के सामने वाला साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। अगर वो प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो वो क्या कर दो प्लस, यहाँ प्लस है तो उसको क्या कर दो माइनस। तो ये क्या हो गया, जेड का कंजुगेट। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जेड इज इक्वल टू 2 + 3 आयटा, फाइंड जेड कंजुगेट ए बी सी और डी। चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, एक है -2 - 3 आयटा, 2 - 3 आटा, -2 + 3 आटा, और ये क्या 0। तो कैसे करेंगे कंजुगेट, जेड कंजुगेट आपको करना क्या है, जस्ट आटा के सामने वाला साइन क्या कर दो, चेंज। अगर वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस था तो उसको क्या कर दिया मैंने माइनस।
तो ये क्या हो गया जेड का कंजुगेट, और जेड कंजुगेट ये क्या है बी, तो मेरा बी क्या आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया 3-4 आयटा, इसका कंजुगेट फाइंड आउट करना है, तो जेड कंजुगेट क्या आ जाएगा आयटा के सामने वाला साइन क्या कर दो चेंज, माइनस था तो ये क्या कर दिया प्लस, तो ये हो गया जेड का कंजुगेट। और क्वेश्चन जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया माइनस आयटा, इसका कंजुगेट क्या करना है आयटा के सामने वाला साइन चेंज किया माइनस है तो इसको क्या कर दो प्लस, तो ये क्या आ गया इसका कंजुगेट। इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। आइए देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयटा बी, तो इसका एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो रियल पार्ट है उसके सामने वाला साइन भी चेंज कर दो, यहाँ जैसे प्लस है तो उसको सामने क्या कर दो माइनस, और इमेजिनरी पार्ट है उसके सामने वाला साइन भी चेंज कर दो, दोनों साइन क्या चेंज कर दोनों साइन क्या कर दो चेंज, वो हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया जेड इज इक्वल टू 2+3 आइटा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे 2-3 आइटा, बी क्या है -2-3 आइटा, सी क्या है -2+3 आइटा, डी क्या है 2+3 आइटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स में करते क्या है दोनों साइन क्या कर दो चेंज कर दो, यहाँ प्लस था तो इसको माइनस कर दो, और इसका क्या प्लस था तो इसको भी क्या कर दो माइनस, यानी कि -2-3 आइटा, तो बी क्या आ जाएगा राइट आंसर। आपको एडिटिव इनवर्स और कंजुगेट में कन्फ्यूज नहीं होना, कंजुगेट में सिर्फ हम आयटा के सामने वाला साइन चेंज करते हैं, जैसे इसका कंजुगेट क्या है 2-3 आयटा, ये इसका कंजुगेट है, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या है दोनों साइन चेंज कर दो, वो क्या है इसका एडिटिव इनवर्स। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया -4-3 आयटा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है दोनों साइन चेंज कर दो, ये क्या है इसका एडिटिव इनवर्स। और देखते हैं जैसे इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, इसके आगे प्लस था तो इसके आगे माइनस कर दो, इसके आगे माइनस था तो इसके आगे प्लस कर दो, ये क्या आ गया इसका एडिटिव इनवर्स। आइए दोस्तों फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयटा बी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिनोट कैसे किया जाता है इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा जेड इनवर्स। आपको सिंपली करना क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका 1/ कर दीजिए, वो क्या है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे इसका 1/ ए प्लस आयटा बी, तो ये क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जेड इज इक्वल टू आ गया माइनस आयटा, इसका क्या फाइंड आउट करना है मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या करेंगे जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स क्या हो जाएगा 1/z, और जेड क्या है 1/-r, ठीक है दोस्तों। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, अगर मैं आयटा से मल्टीप्लाई कर दूं आयटा से डिवाइड कर दूं, क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ऊपर क्या बन गया आयटा स्केयर, नीचे क्या बन गया माइनस के आयटा स्केयर, ठीक है दोस्तों। आयटा एज इट इज़ और आयटा स्केयर की वैल्यू आती है -1, तो ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया 1, आयटा बाय 1 क्या आ गया आयटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया आयटा। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए जो जो हमने देख पढ़ा है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं जेड इज इक्वल टू 3+4 आयटा, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा ऐसे डिनोट करते हैं, रियल पार्ट का स्केयर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और उसका स्केयर रूट, तो 9 प्लस में 16 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5, तो इसका क्या आ गया 5 क्या आ गया इसका आंसर आ गया। इसका कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंजुगेट क्या होता था जस्ट आयटा के सामने वाला साइन चेंज करना है, और कंजुगेट को कैसे डिनोट करते हैं ऐसे, तो इसका कंजुगेट ये हो गया। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, दोनों साइन क्या कर दो चेंज कर दो, रियल पार्ट के सामने वाला भी और इमेजिनरी पार्ट के सामने वाला भी साइन चेंज कर दो। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है इसका, सिंपली 1/z कर दो, यानी कि 3+4 आयटा, फिर इसकी रेशनलाइजिंग करके ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना, और जो मेरा आंसर आ गया वो क्या आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कंजुगेट एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।